नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। कोरोना अभी भी देश से गया नहीं है, ये अभी भी बरकरार है, क्योंकि संक्रमण जो है वो अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इसी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी चिंता जताई और आगाह किया कि किस तरीके से बढ़ते संक्रमण को रोका जाए और खास करके बच्चों के लिए किस तरीके की कोई एक उचित प्लानिंग के तहत उनको संक्रमण से बचाया जाए। बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि दूसरी लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर अभी आने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से नए नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, इससे हमें अभी भी सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरीके से देश में संक्रमण की दर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने भी ये चिंता जताई है कि बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए एक उचित प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिससे उनको बचाया जा सके। हम आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से धीरे धीरे सुविधाओं में छूट दी जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए लोग फेस मास्क का यूज़ करना भूल गए हैं, लोग उचित तरीके से फेस मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये संक्रमण दर जो है वो फैल रहा है। लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को कहा है। उन्होंने राज्य सरकार से भी कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की भी आग्रह किया है। इसी बीच हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के 6 राज्यों में कोविड-19 स्थिति पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उपयुक्त 6 राज्यों में करीब 80% नए मामले जो है वो सामने आए हैं। पीएम ने राज्य सरकार से महामारी की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने को भी कहा है। इसी बीच पीएम मोदी ने राज्यों से महामारी को नियंत्रित रखने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा है। जिस तरीके से संक्रमण की दर बढ़ रही है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। हम आपको बता दें कि कोरोना का जो संक्रमण दर है उसमें लगातार उतार चढ़ाव अभी जारी है। हम आपको साथ में ये बता दें कि पूरे 24 घंटे में देश में जो है वो 38,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मृत्यु दर की बात करें तो 540 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। केरल और महाराष्ट्र के सहित अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पे अभी भी संक्रमण की जो दर हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और दूसरी लहर की मृत्यु दर जो है वो भी अभी जारी है। यानी इस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता जताई है और उस पर सभी राज्यों से ये निवेदन किया है कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर भी आने को तैयार है, तो इसके लिए आप अपना उचित प्रबंध कर लें, जिससे तीसरी लहर में बच्चे जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उन पर इसका असर कम पड़े। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ पीआर।